स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज जम्मू और डोडा पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग मामले में ये रेड की गई है। एनआई की अलग अलग टीमें कार्रवाई में लगी हुई हैं। मौके पर भारी सुरक्षा बल मौजूद किया गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार जम्मू के बठिंडी में सेवानिवृत्त डीएफओ के आवास पर एनआई की टीम जांच कर रही है। डोडा में 7 जगहों पर दबिश दी गई है। कहा जा रहा है कि यहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। 11 दिवसीय बुड्ढा अमरनाथ यात्रा का समापन आज पुंछ में श्री दशनामी अखाड़े से चारी मुबारक के प्रस्थान के साथ हो गया। 368 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आधार शिविर से बुड्ढा अमरनाथ के दर्शनों के लिए रवाना हुआ, तो वही तीर्थयात्रियों के ताजा जत्थे में 90 महिलाएं और 2 बच्चे थे। तीर्थयात्रा सुचारू रूप से चल रही है और 29 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो इस दौरान जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी का धन्यवाद भी किया गया। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण दर जुलाई महीने में अंतिम सप्ताह में 3-4% के बीच रहा, तो वही अगस्त महीने के प्रथम स्थान में यह बढ़कर 5-6% हो गया है। हालांकि जम्मू संभाग में अब मामले लगातार कम हो रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार श्रीनगर जिला सबसे अधिक प्रभावित है। श्रीनगर के शेख मोहल्ला पुराने बरजुल्ला की अगर बात करें तो वहां पर आधी रात के दौरान जो है कुछ शरारती तत्वों की तरफ से कास्को गैंग के माध्यम से पेट्रोल बम फेंका गया है, जिसके बाद से इलाके में दहशत पैदा हो गई है। वहीं अगर बात करें तो पुलिस जो है इस पर कार्रवाई तो कर रही है, परंतु स्थानीय लोगों ने प्रशासन से फास्ट ट्रैक जाँच करने की अपील की है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिला के वेरीनाग के कुचुलगुन इलाके में शनिवार शाम मछली पकड़ने के दौरान बिजली के झटके से 61 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पीएससी वेरीनाग में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी और साथ ही साथ जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएससी वेरीनाग के कर्मचारी वहां पर अपनी ड्यूटी के लिए भी उपलब्ध नहीं थे। अब इन्होंने उच्च अधिकारियों और साथ ही साथ उपराज्यपाल प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिला के गुरेज घाटी के बागतोर गांव के 12 वर्षीय लड़के उमर गुल की रविवार दोपहर करीब 3 बजे गुरेज घाटी के बागतोर गांव के किशन गंगा नाले में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि उसके बाद स्थानीय लोगों और सेना की मदद से उसे बाहर निकाला गया। वहीं अगर बात करें तो जैसे ही इलाके में ये खबर फैली तो स्थानीय लोगों ने बागतोर डावर रोड को जाम कर दिया और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग इसकी मौत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल के गेट बंद पड़ा हुआ था। अखिल भारतीय शस्त्र महासभा के द्वारा आज जम्मू में एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान कहा गया कि हमारे समाज ने आज तक कभी भी समाज को बांटने का काम नहीं किया है, इसीलिए हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को भारत रत्न की उपाधि दी जाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही पाकिस्तान को जो है कड़ा जवाब दिया गया और भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अभी भी 1 लाख से ऊपर बनी हुई है, जो कि चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,35,510 हो गई है, जो कि कल की तुलना में 573 अधिक है। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के 16,167 नए मामले सामने आए हैं। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को आज संसद में विदाई दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पक्ष और विपक्ष के सभी नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन के लिए बहुत भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामयी उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। आपका जज्बा और लगन हम लोगों ने निरंतर देखा है।